दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम कार्ड है और उस पर आप इंटरनेट को चला रहे हो तो आपको बहुत ही स्लो इंटरनेट देखने को मिल रहा है, स्पीड नहीं दे रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपको एक VPN सेटिंग्स बताने वाला हूँ एयरटेल सिम के लिए, जिससे कि आपका इंटरनेट जो है फास्ट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इससे लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था एयरटेल VPN के ऊपर, तो उस पर आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लाइक बहुत अच्छा आ रहा है उस पर। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कॉमेंट मुझे अलग टाइप का आ रहा है कि मेरे फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है, मेरे फ़ोन में यहाँ पर ये सेटिंग्स नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से नहीं देखते हो, स्किप कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वीडियो और आप ध्यान से देखते हो तो आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ही कमाल का फास्टेबल VPN सेटिंग्स मैं बताने वाला हूं। और अगर आप लास्ट टाइम वाला पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हो VPN के ऊपर, जो मैंने एयरटेल के ऊपर बताया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर के देखिएगा। और बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि संजय भाई, मेरे फ़ोन में हमेशा जो है 2G 3G होता रहता है, 4G पे रहता ही नहीं है, इस कारण से मेरा इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। तो आपको एक वीडियो का लिंक और मिल जाएगा, उसको भी जाकर के देखिएगा, आपका जो है वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो रहता है 2G 3G वाला, वो सॉल्व हो जाएगा, हमेशा 4G पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में VPN सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एयरटेल सिम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक बार रीसेट के बटन पर क्लिक करके इसको रीसेट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है न्यू VPN का, एक प्लस का बटन, ये बटन आपको ऊपर में मिल सकता है, लेकिन मेरे फ़ोन में नीचे ही मिल रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो है VPN का फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भरने वाला हूँ कि क्या क्या यहाँ पे आपको डालना है, जो जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वही चीज़ आपको अपने फ़ोन में ऐड करना है, फिर उसको सेव करना है। तो चलिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको नेम पर क्लिक करना है, और नेम पर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है www.airtel.in, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेप से लिखना है www.airtel.in स्मॉल लेटर में, फिर इसको कर देना है सेव। तो चलिए सेव करते हैं। फिर यहाँ पे VPN पे आपको क्लिक करना है, और VPN पे आपको लिखना है airtel एयरटेल, फिर GP, बस आपको GP और उसके बाद .net नेट, ठीक है, airtel GP.net लिख के इसको सेव कर देना है VPN में। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी को छोड़ देना है नॉट सेट ही। फिर एक ऑप्शन आपको मिलता है पोर्ट, पोर्ट को भी छोड़ देना है। यूजर नेम पे आपको क्लिक करना है, और यूजर नेम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है 4, उसके बाद G, उसके बाद INDIA 4G इंडिया लिख के एक साथ इसको सेव कर देना है स्मॉल लेटर में। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा पासवर्ड का, तो पासवर्ड को कुछ नहीं करना है। फिर एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे सर्वर का, तो सर्वर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है फिर से www.airtel.in, ठीक है, स्मॉल लेटर में ही होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो www.airtel.in लिख के इसको सर्वर में सेव कर देना है। चलिए सेव कर देते हैं। फिर एक ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे MMSC, इसको कुछ नहीं करना है नॉट सेट। MMS प्रोक्सी, इसको भी कुछ नहीं करना है, ये भी नॉट सेट। MMS पोर्ट, ये भी नॉट सेट। MCC MNC को नहीं टच करना है। ऑथेंटिकेशन टैब पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे सेकेंड नंबर वाला PAP पे आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे VPN टाइप को भी कुछ नहीं करना है, आपके फ़ोन में नॉट सेट और डिफ़ॉल्ट होगा, जैसे होगा वैसे ही रहने देना है। फिर यहाँ पे VPN प्रोटोकॉल पे क्लिक करके आपको चेक करना है कि IPv4/IPv6 है आप में कि नहीं है, तो इसको सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे VPN रोमिंग प्रोटोकॉल पे क्लिक करके इसको भी IPv4/IPv6 पे क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन आपको मिलेगा बियरर, तो बियरर पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे जो जो सिलेक्ट करने वाला हूँ उसको आपको सिलेक्ट करना है अपने फ़ोन में, फिर उसको सेव करना है। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको याद ना रह पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पे अनस्पेसिफाइड पर से अनटिक करना है इसको, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है LTE, उसके बाद सेकंड वाला, थर्ड वाला यहाँ पे HSPAP, उसके बाद यहाँ पे HSPA, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है एक EDGE, एक GPRS, बस आपको इतना सिलेक्ट करना है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे GPRS, EDGE और यहाँ पे एक LTE, HSPAP, उसके बाद HSPA, इतना सिलेक्ट करके इसको कर देना है सेव। ओके के बटन पर क्लिक करके ये VPN में सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया HSPA, उसके बाद GPRS, EDGE, LTE,
LTE, उसके बाद HSPAP, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे आपको इसको सेव करने के लिए मोर के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सेव के बटन पे क्लिक करके इसी APN को सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए www.airtel.in का APN बन गया है। सिंपली इस पर एक बार क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है, फिर आपके फ़ोन में इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट वेट कर लीजिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका 2G 3G बड़ा प्रॉब्लम होता रहता है, 4G पे नहीं रहता है, तो इस वीडियो को जाकर के जरूर से देखिएगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हमेशा 4G पे ही सिलेक्ट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।